الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناته من هدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم। तर्जमा, माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जिसका वस्फ यह है कि वो लोगों के लिए सरापा हिदायत है और हिदायत के और साफ वाज़ेह और हक से बातिल को जुदा करने के दलाइल का मजमू भी है। बस जो शख्स भी तुम में इस महीने को पाए तो इसको चाहिए कि इस माह के पूरे रोज़े रखे। जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो इसके ज़िम्मे दूसरे दिनों दूसरे जितने रोज़े छूट जाते हैं दूसरे दिनों में इनकी गिनती पूरा करना है। अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे लिए आसानी मंजूर है और उसको तुम्हारे लिए दुश्वारी मंजूर नहीं है। ये रियायत के अहकाम इसलिए दिए गए हैं ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरा कर लिया करो और ताकि तुम इस एहसान पर कि अल्लाह ने तुमको सही तरीक़ा बताया इसकी बुजुर्गी बयान करो और ताकि तुम शुक्र बजा लाओ। रमज़ान मुबारक का पैगाम कुरान है, शब क़दर का तोहफ़ा कुरान मजीद है। तो अब तक आपके सामने जो है कुरान का नुज़ूल किस तरह हुआ, कुरान किस तरह जमा किया गया, कुरान को सही पढ़ना तजवीद क्या है, कुरान को सही समझना किस तरह सही समझना चाहिए और किस तरह लोगों ने गलत समझा तफ़सीर बिर्राय इख्तियार की, ये बातें आ चुकी हैं। आज आपके सामने का और अहम मौजू नासिख व मनसूख ये पेश किया जा रहा है। कुरान मजीद को सही समझने के लिए कि कौन सी आयात नासिख हैं और मनसूख हैं ये जानना भी नहायत ज़रूरी है। कुरान मजीद चूँकि 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ, इस दौरान सहाबा कराम जो ईमान कबूल करके अल्लाह के रसूल की सोहबत में दाखिल हो रहे थे इनकी तरबियत हो रही थी, इसलिए शुरू में जो अहकाम दिए गए थे बाद में इनमें से बास को मनसूख किया गया। लगत में नसक के माने नकल करना, मिटाना, लिखना वगैरह के आते हैं। शरई इस्तेलाह में नस के माने हैं कि रफ़ुल हुक्म शरई मुताखिर, साबिक शरई हुक्म को आने वाली दलील से उठा देना, हटाना, ये माने हैं। यानी पहले नाजिल होने वाला हुक्म मनसूख हो गया और बाद में नाजिल होने वाला हुक्म नासिक कहलाता है। पहले नाजिल वाला हुक्म मनसूख यानी कैंसल जिसको गर्म कहें, तो दूसरी इस्तेलाह जो है अब्रोगेटेड कहते हैं, अब्रोगेटेड मनसूख, बाद में नाजिल होने वाला हुक्म नासिक अब्रोगेटर। नस की कुल चार सूरतें हैं। कुरान करीम की आयात कुरान की दूसरी आयतों के लिए नासिक हों, एक बात। दूसरा, अहादीस रसूल दूसरी अहादीस के लिए नासिक हों। कुरान करीम की आयात अहादीस रसूल के लिए नासिक हों, अहादीस शरीफा कुरान करीम की आयात के लिए नासिक हों। पहली तीन सूरतों में उम्मत का तो इत्तेफाक है और आखिरी सूरत में इख्तिलाफ़ है। नासिख और मनसूख की बहस में कदीम व जदीद मुफसरीन का कुछ इख्तलाफ भी है। मुताखिरीन के नज़दीक आयत मनसूखा की तादाद तकरीबन 20 है। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दहलवी ने इस पर कलाम फरमाया है। नासिख और मनसूख की सबसे मशहूर मिसाल है कि पहले रोज़ों के मुतालिक ये हुक्म था, वल्लज़ीना युतीकूनहु फिदयतुन तामु मिस्किन फमन ततव खैरन फखैरुल्लाह व अन तसूमु खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून। सूरह बकरा की आयत में 184 ये आयत आपके सामने से पहले अब कई बार आ चुकी है और तर्जुमा यह है, और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हों और न रखें तो इनके ज़िम्मे एक मिस्कीन का फ़िदिया देना है, फिर जो कोई खुशी से ज़्यादा देगा तो इसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोज़ा रखना तुम्हारे हक में ज़्यादा बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो। अरब के लोग चूँकि रोज़े के आदि नहीं थे इसलिए ये हुक्म दिया गया था कि जो लोग रोज़ा रखने की ताकत तो रखते हैं लेकिन किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सकते तो रोज़े के बजाय एक मिस्कीन का फ़िदिया सदका फितर के बराबर अदा कर दें। यह हुक्म शरई में था, यह हुक्म शुरू में था जब लोगों को रोज़े का खुगर आदत आदि बनाना था। इसके बाद जो आयत नाज़िल हुई, वमन शहीद मिनकुम अश्शहर फलयसुम, जो भी इस महीने को पाए इसको चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखे। इससे ये आम हुक्म आम लोगों के लिए मनसूख हो गया। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए अब भी बइजमा उम्मत बाकी है जो बहुत ही बूढ़े, जिसको शेख फ़ानी कहते हैं,
या ऐसे बीमार हैं कि जिनकी सेहत की उम्मीद नहीं है, जमूर सहाबा और ताबईन का ही कौल है। माटिफुल कुरान जिल्द अव्वल। नासिख व मंसूख की दूसरी मिसाल शराब के ताल्लुक से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात वअन्तुम सुकारा हत्ता तअलमु मा तक़ूलून वला जुनुबन इला आबिरी सबीलिन हत्ता तग्तसिलू। सूरह निसा की आयत नंबर 43। तर्जमा, अय ईमान वालो, जब तुम रोज़े की हालत में हो तो इस वक्त तक जब तक कि तुम ज़बान से जो कुछ कहते हो इसे समझ न लगो, रोज़े के करीब ही न जाओ, नमाज के करीब ही मत जाओ। इस तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ जब तक गुसल न कर लो, इल्ला कि तुम मुसाफिर हो। शराब नोशी, शराब पीना अरब की पुरानी आदत थी। उनके पास शराब के 1000 नाम थे। अब ताजुब करेंगे, शराब उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। फौरन ही शराब हराम कर दी जाती तो बहुत बचना दुश्वार हो जाता था। इसलिए सूरह बकरा की आयत नंबर 119 में ये हुक्म दिया गया, यस अलूनक अनिल खमरी वल मैसरी कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्महुमा अकबरु मिन नफईहिमा। ये लोग आपसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमा दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है। और लोगों के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन दोनों का गुनाह इनके फ़ायदों से बड़ा हुआ है। सूरह बकरा की आयत नासिल होने के बाद बहुत से लोगों ने शराब अज खुद छोड़ दी थी, लेकिन तमाम लोगों के लिए इसका छोड़ना दुश्वार था। तो नशे की हालत में भी नमाज़ पढ़ लिया करते थे। इसके बाद सूरह निसा की दर्जल आयत नाजिल भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात वअन्तुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। अय वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम नशे की हालत में हो तो इस वक्त तक जब तक तुम ज़बान से जो कुछ कहते हो इसे समझने लोगों, नमाज के करीब न जाओ। लोगों ने शराब पीने के अवकात बदल दिए। इशा के बाद पी लेते थे और फिर सुबह की नमाज के बाद पी लेते थे। इसके बावजूद भी शराब का असर तो बाकी रहता था। नमाज चूँकि अल्लाह का ज़िक्र है, जिसमें जिस्म के साथ दिल व दिमाग की हाज़िरी भी ज़रूरी है, नशे की हालत में कुछ से कुछ पढ़ जाते थे, लाबुद वज आबुदू, इस तरह से सुबह ने पढ़ लिया कुछ लोगों ने, उलिया अलकाफिन का सूरत ला आबुदू माता बुदून, आबुदू माता बुदून, इस तरह से पढ़ लिया था। लिहाजा अल्लाह तबारक ने सूरह मायदा की आयत नंबर 90 में ये बात नाजिल कर दी और दर्जल बात नाजिल कर दी और शराब को हमेशा के लिए हराम करार दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतानि फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। तर्जमा, अय ईमान वालो, वाकई ये बात है कि शराब, जुआ, बुत के थान और फाल खुलने के तीर, ये सब नापाक काम शैतान के हैं, लिहाजा इनसे बचते रहो, शायद कि तुम फला पा जाओ। सूरह मायदा की आयत ने सूरह बकरा और सूरह निसा की आयत में जो हुक्म है उसको मनसूख कर दिया और शराब को हमेशा के लिए हराम करार दे दिया। नासिख और मनसूख की दूसरी वाज़ह मिसाल सूरह अनफाल की दर्ज ज़ेल आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हरिज़ुल मुमिनीन अल-क़िताल क़िताल इन यकुन मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू 200 व यकुन मिनकुम 100 यग़लिबू 1000 मिन अल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। الآن خفف الله عنكم وألم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ترجمة، أي إيمان والو، أي نبي صلى الله عليه وسلم، مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کیجیے، اگر تم مسلمانوں میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، कुफ़ार के 200 पर गालिब आ गए मुसलमान। और अगर मुसलमानों में 100 आदमी सब्र करने वाले हों तो कुफ़ार के 1000 पर गालिब आएंगे। इसकी वजह है कि ये काफिर ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। एक मुद्दत के बाद दूसरी आयत हासिल हुई जिससे वो पहला हुक्म मनसूख हो गया। अब अल्लाह ताला ने तुम पर से वो बोझ हल्का कर दिया और इसने जान लिया कि तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है। सो तुम मुसलमानों में अगर 100 आदमी साबित कदम रहने वाले हों तो 200 काफिरों पर गालिब होंगे। अगर तुम में से 1000 आदमी साबित कदम हों, सब्र करने वाले हों तो खुदा के हुक्म से काफिरों के 2000 पर गालिब होंगे और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामी ला यंसुखु कलामुल्लाह व कलामुल्लाह यंसुखु कलामी व कलामुल्लाह यंसुखु बअबहु बअदन।
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا اور کلام اللہ میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے اور کلام اللہ کا بعض حصہ بعض کو منسوخ کر دیتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہماری احادیث بعض احادیث بعض کو منسوخ کر دیتی ہیں جیسا کہ قرآن کی بعض آیات کو منسوخ کر دیتی ہیں۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ جن لوگوں کو علم نہیں ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلا حکم صحیح تھا یا غلط، اگر پہلا صحیح تھا تو منسوخ کیوں ہوا، غلط تھا تو پہلے کیوں نازل کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ کا مدار حکمت پر ہے، حکیم کی حکمت پر اعتراض کرنا نادانوں کا کام ہے۔ مثلا ایک مریض کو ایک حکیم یا ایک ڈاکٹر اس ایک وقت میں ایک نسخہ دیتا ہے، یعنی ایک دوا دیتا ہے، دوسرے وقت میں وہی طبیب اس نسخے کو تبدیل کر دیتا ہے، تو کیا ہے پہلا نسخہ غلط تھا یا غیر مفید تھا؟ نہیں، بلکہ طبیب نے مریض کے مزاج کے مطابق نسخہ تبدیل کر دیا۔ اس طرح حالات اور واقعات اور ضرورت کے تغیر سے نزول وحی کے دوران حکم میں تغیر آتا رہا۔ نماز روزے کے احکام احوال میں تغیر آیا، جہاد کی تعداد میں مقاتلین میں تغیر آ گیا۔ تو یہ تغیر اور نص جو ہے ہمارے علم کے اعتبار سے تھا، اللہ کے ہاں یہ تو حکم نزول کے وقت سے ہی اتنے ہی وقت کے لیے اترا تھا جس وقت میں یہ منسوخ ہو گیا۔ بہرحال نسخ ہماری نسبت سے ہے، نیز نسخ کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔